डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो को देखिए। और अगर नेक्स्ट और वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों कोई भी क्वेश्चंस है या आप लोगों कोई भी कमेंट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा और हम कोशिश करेंगे इसका आंसर देने के लिए। हाँ, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? हम लोग जो देखते हैं, जो बच्चा होता है आइदर मेल होता है या फीमेल होता है, तो ये कौन बोलता है कि क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा? मतलब हम लोग कोई नहीं जानते हैं, माँ का पेट का अंदर में जो बच्चा होता है इसके बारे में हम लोग किसी को पता नहीं है कि क्या होगा। तो क्या होता है, क्यों होता है? कभी हम लोग देखते हैं कि बॉयज होता है, जैसे एगो लड़का हुआ उसके बाद फिर लड़की हुआ, फिर कभी लड़की हुआ तो उसके बाद लड़का हुआ, होता क्यों है ये? तो हम लोग का कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि हम लोग ऐसे क्यों होता है, क्यों हम लोग देखते हैं कि कभी बॉयज के बाद गर्ल्स या कभी बॉयज 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 ऐसे होता है। कोई चाहता है कि हमको गर्ल्स हो लेकिन गर्ल्स नहीं होता, कोई चाहता है कि मेरा बेटा हो लेकिन बेटा नहीं होता, बेटी होता रहता है, तो उसका कारण क्या है? इसका तो कुछ कारण है ना, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है इसके लिए चाहिए एक माँ और एक बाबा। तो ये जो माँ है, तो माँ का जो क्रोमोसोम है, अगर हम लोग देखते हैं जो ओवरी में है, तो ओवरी में जो क्रोमोसोम है वो है एक्स एक्स, और ये है क्या, ये है डिप्लॉयड है। अब यहां से जब ये ओवरी से हम लोग जब एक बनता है या ओवा बनता है या ओवम बनता है, मतलब फीमेल गैमेट जब बनता है, तो ये जो डिप्लॉयड था यहां से क्या बनेगा, हैप्लॉयड बनेगा। अब डिप्लॉयड था हम लोग का 2n और हैप्लॉयड है n, मतलब इसका हाफ हो गया। तो अब हाफ कैसे होता है, तो जो प्रोसेस से हाफ होता है इसको कहते हैं मियोसिस। अब जस्ट इसका हम लोग देखते हैं, अगर पापा में देखते हैं तो पापा में भी क्या देखते हैं कि ये जो हम लोग का क्रोमोसोम रहता है, पापा का जो क्रोमोसोम रहता है ये एक्स और वाई होता है, और ये क्या होता है, ये टेस्टिस में होता है। अब ये जो एक्स और वाई होता है क्रोमोसोम, इसको भी हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड, मतलब 2n। अब ये जो 2n है, तो 2n से जब एक्स एक्स और वाई होता है, मतलब जब यहां से गैमेट बनता है, मतलब स्पर्म बनता है, जैसे हम लोग देखे कि फीमेल में एग या ओवम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट, ऐसे हम लोग देखते हैं मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। अब ये जो मेल गैमेट है ये कहां बनता है, टेस्टिस में बनता है। तो ये जो हैप्लॉयड हुआ, मतलब डिप्लॉयड 2n से हैप्लॉयड हुआ, तो यहां पे भी क्या होगा, जब हम लोग जानते हैं रिडक्शन डिवीजन हुआ 2n से n हुआ, तो ये भी होता है मियोसिस। तो यहां से मियोसिस से होता है हम लोग का स्पर्म और मेल का, और फीमेल का मियोसिस से होता है क्या, होता है ओवम, और ये कहां होता है, ओवरी में, और ये होता है टेस्टिस में। अब ये जो एक्स और वाई हुआ, ये जो क्रोमोसोम से हम लोग स्पर्म हुआ, जो एक्स और वाई, क्योंकि इसमें एक्स वाई है, तो एक्स में बनेगा एक्स और एक में बनेगा वाई। अब इसमें जो है ये दोनों ही एक्स है, इसलिए दोनों में क्या बनेगा, एक्स और एक्स। अब अगर ये एक्स के साथ ये एक्स अगर क्रॉस करे, मतलब फर्टिलाइजेशन हो, तो क्या होगा, जैसे ये एक गैमेट आया, तो जो मम्मी से आएगा, तो वो मम्मी से जो गैमेट आएगा वो हमेशा एक्स ही आएगा, और अगर पापा से एक्स आएगा तो क्या होगा, एक्स एक्स। अब दोनों एक्स किसका सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, मतलब ये जो एक्स एक्स बना ये क्या हुआ, ये डॉटर है, तो मतलब जायगोट जो हुआ वो डॉटर होगा। अब हम लोग जानते हैं कि जायगोट से फादर एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो से फीटस बनता है, मतलब जो ये जायगोट एक्स एक्स हुआ, तो यहां से जो फीटस होगा वो क्या होगा, जो गर्ल्स चाइल्ड होगा। अब यही अगर वाई आया क्रोमोसोम और ये अगर एक्स के साथ ये क्रॉस किया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या होगा, एक्स वाई। हम लोग जानते हैं एक्स वाई किसका सिंबल है, ये मेल का, मतलब ये जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सॉन होगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब एक्स, मम्मी का तो हमेशा एक्स ही आएगा, अब पापा का जो क्रोमोसोम आया ये वाई आया, तो अगर ये वाई एक्स के साथ क्रॉस करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इससे जो जायगोट होगा, तो ये जायगोट से जो एम्ब्रायो होगा, फिर एम्ब्रायो से जो फीटस होगा वो क्या होगा, सॉन होगा। तो हम लोग देखते हैं बहुत तांत्रिक होता है, बोलता है कि आप एक ताबीज ले लीजिए, 5000 रुपया दीजिए आपका बेटा होगा, नहीं तो आप 5000 रुपया दीजिए आपको बेटी होगा। तो ये कुछ नहीं होता है, ये फॉल्स है, क्योंकि इतना हम लोग जानते हैं जो स्पर्म होता है, ये पिछला हम जो वीडियो
छोड़े थे उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो स्पर्म होता है इतना ह्यूज अमाउंट में स्पर्म रहता है, अब ह्यूज अमाउंट करोड़ों स्पर्म में अब मैराथन हो रहा है, अब कौन जानता है कि इसमें फर्स्ट कौन होगा, कोई जानता है क्या? नहीं जानता है ना। तो उतना जब दौड़ेगा तो उसमें कोई एक ही स्पर्म जाएगा, अब वो एक स्पर्म एक्स है कि वाई है कोई तांत्रिक बोल सकेगा? अगर वो आपको 5000 बोलता है कि 5000 दीजिए, तो आप उसको बोलिए सिर्फ कि आप एक लिख के दीजिए कि मेरा बेटा ही होगा या मेरा बेटी होगा, तो वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये ऊपर वाला का ऊपर होता है। ये क्या होता है, ये हमेशा ये क्रोमोसोम का ऊपर होता है, और ये क्रोमोसोम किस कौन करता है, ऊपर वाला, ये साइंस हम लोग बोलते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाला का हाथ में। तो ये जो हम लोग देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोग देखते हैं डॉटर और सन होता है, ना इसके लिए कोई ताबीज होता है, ना कोई मंदिर होता है, ना कोई मस्जिद होता है, ना कहीं होता है। हम लोग अगर इसके बारे में जानेंगे, और हम लोग बहुत समय देखते हैं कि गांव में ये होता है कि जब कोई बेबी चाइल्ड हुआ, अगर वो कंटिन्यू गर्ल्स हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो ये कहाँ का रीति है, ये तो बहुत खराब बात है ना, हम लोग क्यों टॉर्चर करेंगे? क्योंकि जिसमें कोई गर्ल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, वो तो हमेशा एक सी क्रोमोसोम देगा। अब कभी 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 जो होता है, जो फैमिली मेंबर है बोलते हैं कि ना ये वाइफ के लिए ही क्या हुआ, बेबी हुआ, डॉटर हुआ, तो डॉटर कैसे होगा, क्योंकि ये तो हमेशा एक्स देगा ना। तो क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो मेल है वही रिस्पॉन्सिबल है, कभी वो एक्स क्रोमोसोम देता है, कभी वो वाई देता है। अब वो भी कैसे जानेगा कि कौन वाला क्रोमोसोम है, अब करोड़ों क्रोमोसोम है उसमें कोई एक दिया। तो ये इसीलिए आप लोग इस क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में, कि आप लोग भी जागरूक बनिए, और आप लोग भी घर में ये समझाइए कि जो बच्चा होता है, ये बेबी डॉटर हो या सन हो, ये सब कुछ ऊपर वाला का हाथ में है, ना कि हम लोग। तो ये जो है, ये सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में फर्दर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल।